जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र भोजी। सबसे पहले मैं आज आप लोगों से एक अपील कर रहा हूं, परसों बुधवार को 10 बजे हाई कोर्ट के सामने सभी लोग आएं और मेरा एक छोटा सा साथ आप लोगों को देना है। क्यों आना है मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राजस्थान को अगर बचाना है तो आपको जरूरी है, राजस्थान एक कश्मीर की तरह सुलग जाएगा। अगर आप लोगों को बचाना है, किसी भी जाति समाज को यह लगता है कि जो मैं बात कहूंगा उस बात को सुन लो और आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है और आपको आना चाहिए, तो आप आना। अगर नहीं लगता तो आप अपने घरों में दुब के बैठे रहना और जो परिणाम होगा उसको भुगतना। सबसे पहले मेरा नंबर ले लो, जो भी आना चाहे मुझसे संपर्क कर सकता है, 8290354513। 8290354513। अब दोस्तों आना क्यों है उसके लिए मैं बता देता हूं कि मैं बुधवार को 10 बजे हमारे जो भी राजस्थान के 200 एमएलए हैं इनके खिलाफ एक जनयाचिका दायर कर रहा हूं, कोर्ट में एक याचिका दायर करूंगा। वो क्यों कर रहा हूं उसका पूरा परिणाम आप लोग सुन लो। सबसे पहले मैं आज निकल रहा हूं यहां से गांव सावराज के लिए, आनंद पाल का जो केस है उसके लिए। दो दिन का टाइम इन नेताओं को मैं इसलिए दे रहा हूं, 24 घंटे का अल्टीमेट, कि जो ये चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे हैं और आज 9 दिन से राजस्थान सुलग रहा है और ये आग धीरे 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 एक चिंगारी के रूप में फैलती जा रही है और इसका परिणाम बहुत ही बुरा निकलेगा दोस्तों। तो इस आग को ठंडा करने के लिए मैं जा रहा हूं और 24 घंटे नेताओं को टाइम देता हूं। अगर ये चाहे तो इस 24 घंटे में वहां पहुंच गए या अपनी वसुंधरा को मना गए, किसी भी तरह इस केस को शांत कर दें। हम नहीं चाहते कि राजस्थान इतना अच्छा और शांत प्रदेश है जो आग में जले। इन नेताओं को अल्टीमेट इसलिए दे रहा हूं कि तुम जनप्रतिनिधि हो और तुम्हारा हक फर्ज बनता है कि जिस तरह तुम वोट मांगने के लिए जनता के आगे हाथ जोड़ जोड़ के घूमते हो, हमें वोट दो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन तुम सेवा तो दूर, तुम वोट मांगने के बाद में तुम तो राजा बन जाते हो, जनता से ना मिलते हो ना जनता के काम आते हो। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारे 25 समाज के नेता हैं उनको कहना चाहता हूं, राजपूती के नाम पे जो लगातार तुम वोट लेने के लिए जगह जगह घूमते हो, आज तुम्हारी राजपूती निकल गई क्या? तो राजपूत नहीं हो क्या तुम? या तो बता दो कि हाँ तुम्हारी कास्ट क्या है तो हम तुम्हें कहना ही छोड़ देंगे। दूसरा प्लस 75 यानी 200 एमएलए तुम्हारा काम क्या है? आज पूरी जनता परेशान है, कितनी वहां पुलिस है, कितने जवान आ रहे जा रहे हैं, एक डेड बॉडी जो 9 दिन से घर के आगे रखी हुई है। क्या राजस्थान में ऐसा कोई नहीं है जो उसको केस को सुलझा सके? क्या मर गए क्या पूरे राजस्थान में कोई ऐसे समझदार लोग या कोई नहीं है कि वहां जाके, या सिर्फ इसको राजपूत और सरकार का वो समझ लिया? मैं सभी जाति वालों से कहना चाहता हूं, जातिवादी न फैला के पुराने जो भी केस हैं वो हो गया, उनको बाद में निपटा जाएगा, पहले एक डेड बॉडी पड़ी हुई है राजस्थान में जो राजस्थान जगह जगह सुलग रहा है। सबका फर्ज बनता है कि वहां जाकर किसी भी तरह शांति से उनके घरवालों को भी समझा जाए, सरकार को भी बताया जाए कि इस मसले को शांति से हल किया जाए। तो आप लोग क्या चाहते हो? अगर 24 घंटे में कर देते तो ठीक है, नहीं तो मैं 24 घंटे के बाद में राजस्थान कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा दायर करूंगा कि ये जन सेवक होकर और बिलों में छुपे बैठे हैं, तो इनको कोर्ट आदेश करे कि ये बिल से बाहर निकले और जनता की सेवा करें। अगर राजस्थान हाई कोर्ट नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी जाऊंगा मैं और मेरे साथी मिलकर। दोस्तों यह मसला एक समाज का या एक आदमी का नहीं है, ये इंसानियत का मसला आ गया है पूरी राजस्थान के लिए। अगर इसी तरह चलता रहे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी राजस्थान में और यह सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, बता रहा हूं। बहुत से राजपूत हैं जिनकी खोपड़ी घूमगी ना, ये वसुंधरा वसुंधरा को घुमा देंगे इसी तरह। और मैं नहीं चाहता कि मेरे युवा मेरे साथी को ऐसा कांड कर दें कि बाद में हमारे राजस्थान का नाम पूरे देश में पूरे विदेश में खराब हो। और आप लोग भी अगर चाहते हो सावराज पहुंच के उसके घर परिवार को किसी भी तरह मनाओ, सरकार पर भी दबाव बनाओ कि भाई कोई बीच का रास्ता निकाले। हम ये चाहते हैं कि कोई भी बीच का रास्ता निकल गए और ये मसला ठीक हो जाए। और ये जनप्रतिनिधि इनको मैं फिर कहता हूं कि पहुंचो वहां, नहीं पहुंचोगे तो भाई साहब बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और कुछ जो समाज के नेता जो एक दिन तो आनंद पाल करते हैं और दूसरे दिन इन्हीं के पास जाके इन्हीं के वरमाला डाल रहे हैं,
इनके लंबे लेट के धोख खा रहे हैं, दोगलापन मत करो। राजपूत जवान से पहचाना जाता है, एक अगर बोल दिया तो उस जवान पे रहो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। यानी जो मुंह से बोल दिया दोस्तों उस पे अटल रहो। ये नहीं कि वहां सब खड़े हैं तो हम आनंद पाल के साथ हैं, यहां बीजेपी का कोई आ गया साहब हम तो तुम्हारे साथ हैं। दोगलापन मत करो दोस्तों, एक बात पे अटल रहो और ये केस शांति से हल होना चाहिए, बस यही मैं चाहता हूं। इसलिए मैं और मेरे साथी आज यहां से निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे एक शांति से हल हो जाए। और इन नेताओं को मैं 24 घंटे का अल्टीमेट देता हूं कि आप लोग भी आकर या किस भी करके इसको शांत करा दो, नहीं तो बुधवार को फिर मैं अपने सभी साथियों से जो जयपुर में हैं, जो कहीं भी हैं, वो बुधवार को 10 बजे हाई कोर्ट के सामने पहुंचे, हम सब लोग याचिका दायर करेंगे। अगर कोर्ट इनको आदेश देकर इस चीज को हल कर लेता है तो वेल एंड डन, नहीं तो नेक्स्ट दिल्ली। मोदी जी से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको वसुंधरा को जो राजस्थान में छोड़ रखा है इसको ठीक कर ले, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। आज के लिए मैं इतना ही कहता हूं, जय हिंद जय भारत।